एसएन सोनानिया, उपसंचालक कृषि भोपाल। आज क्या आयोजन रखा गया था? आज यहाँ भोपाल में करोन मंडी में कृषि मेला प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया था। सर, इसमें क्या उपकरण है किसान के यहाँ लेके आए? किसानों को कृषि यंत्रों का, जैविक इनका साधनों का उपयोग करके किसानों की जो लागत बढ़ रही है खेती करने में उसको कम करना और अल्टीमेट उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, जैविक खेती के माध्यम से जो हम आम जनता को जहर परोस रहे हैं उससे बचा करके ऑर्गेनिक फूड उनको पर्याप्त उपलब्ध करवाना, जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट ना आए, स्वास्थ्य में अब बना रहे। छोटे किसानों के लिए क्या ऐसे कोई उपकरण आपके मेले में? भाई, उनको लोन वगैरह की सुविधा हो, जैसे कि कैसे क्या? लोन के लिए तो अपने सभी बैंकों से जो किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय किए जाते हैं, कोई भी किसान हमारे ऐसा नहीं जिसको किसान क्रेडिट कार्ड हम नहीं देते हैं। उस लोन का उपयोग वो कृषि आदान में ही करें, इसीलिए दिया जाता है वो। तो हमारे 100% किसानों को हमने क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए हैं, जिससे कि वो अपने इन कृषि उत्पादों का आदान का उपयोग करके अपनी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आज के आयोजन में कितने लोग सम्मिलित हुए? करीब हमने हमारा 100 का लक्ष्य था, लेकिन 100 से ऊपर हमारे किसान आ गए थे, क्योंकि 138 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 138 का रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो क्या है, हमारा ये रहता है कि किसान आए, सुने और प्रदर्शनी देखें। इकट्ठा सबको नहीं करना था, अपने कोविड का भी ध्यान रखना था। कोरोना काल के चलते आपने क्या क्या यहाँ सावधानियाँ? हमने जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उनके सबके सैनिटाइजर किया था उनको, और प्रॉपर डिस्टेंस भी बिठाया था उनको, और हम माइक यहाँ पे जो हमारे प्रचार हमारे जो वक्ता थे उनके भी सबको सैनिटाइजर करने के बाद ही उनको बोलने के लिए अवसर दिया ना। नेटसब से यहाँ पे आज इस किसान मेला में सभी विभागों के माध्यम से हमें परमिशन मिली है, और हम किसानों के लिए जैविक कृषि को लेके लगातार प्रयास में हैं, और वो लोग सभी किसान भाई हमारे कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कैसे ले उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था इस कार्यक्रम में, और लगातार हम किसानों को समझा रहे हैं कि कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कैसे ले, और धीरे धीरे करके जो रासायनिक खाद और दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से लगातार उनकी भूमि बंजर हो रही है, हर तरीके से नुकसान हो रहा है, खेती ख़राब हो रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है इन सब चीज़ों से। तो हम लोगों का प्रयास है कि किसान एक अच्छी उन्नत खेती करे और कम खर्चे में कम लागत में अपना उत्पादन बढ़ाए। हमारी एक प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया का अगर सभी किसान भाई उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे करके जो रासायनिक खाद दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं उसको पहले साल में 25-30% कम करें, दूसरे साल में लगभग 40-50% कम करें, तीसरे साल में लगभग 60-70% कम करें। इस प्रकार से अगर करते हैं तो 3-5 साल में किसान भाई अपने खेतों से जहर को लगभग ख़त्म कर सकते हैं, और हमारे जो जैविक उत्पाद है बायोफिट के, जो पिछले 20 सालों से हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे हमारा काम नहीं है, हर राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं, और लगातार किसानों को जैविक के लिए हम जैविक को की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, प्रयत्न है हमारा उनके लिए, और इसके माध्यम से हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ इसके अंदर हैं। अगर किसान भाई आते हैं यहाँ पे अपना पंजीयन करवाते हैं तो उनको 15-40% की सब्सिडी पे हम लोग अपने प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं। अभी जो खर्चा किसान कर रहा है उससे आधे खर्चे में किसान भाइयों का खर्चा होगा, और उत्पादन में 25-40 गुना तक बढ़त मिलती है उनको। ये सब हमारा पूरे भारत में होता है, और इस प्रकार के जब भी कृषि मेला होते हैं तो वहाँ पर हमारी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, और ये किसानों को हम लगातार समझाते हैं, लगातार हम प्रयास करते हैं। हमारे स्वयं के भी कार्यक्रम हम पूरे भारत में कर रहे हैं, हमारी अलग अलग टीमें हैं जो पूरे भारत में काम कर रही है, और हर्ष की बात यह है कि आज नेटसर्फ जो हमारी संस्था है, हमारी कंपनी है, ये भारतीय है, मूल भारतीय कंपनी है, और मूल भारतीय कंपनी होने के बाद भी आज अमेरिका जैसा देश हमारे इन प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है, अमेरिका में भी हमारे प्रोडक्ट सप्लाई होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ हम मतलब नेटसर्फ 36 देशों में इसको प्रयास मतलब 36 देशों में जाने की पूरी प्लानिंग नेटसब ने कर चुकी है, तो एक बहुत ही सफल प्रयास नेटसब लगातार कर रहा है, और हमारे सीनियर भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, राम सर, थोड़ा सा राम सर भी आपको इसके बारे में बताएंगे। सर,
सर, पिछले 20 सालों से हम कंटिन्यूटी से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन बढ़ा सकें, उनकी भूमि को बहुत अच्छा कर सकें। आज हिंदुस्तान में हम हर राज्य में सक्सेसफुल तरीके से पिछले 20 वर्षों से लगातार कंटिन्यूटी से प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से ये हर किसान तक बात पहुँचे, यही मैं आशा करता हूँ। और हर एक किसान से यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों के उत्पाद को इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। धन्यवाद।